सदर सांसद रवि किशन ने मंगलवार को लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सम्मुख गोरखपुर से देहरादून पुरी सहित कई जगहों के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की। सांसद रवि किशन ने संसद में अपनी मांग रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समूचे उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं। पूर्वांचल व पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी गोरखपुर से रेल यात्रा करते हैं। ऐसे में यहां से और भी ट्रेनें चलनी चाहिए। सदर सांसद रवि किशन ने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से रेल मंत्री से मांग किया कि गोरखपुर से दिल्ली तक वंदे भारत, गोरखपुर से पुरी तक नई रेल, गोरखपुर से देहरादून चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन किया जाए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीदों की प्रतिमा लगाई जाए, जिससे यहाँ आने वाले यात्रियों को इन सेनानियों व शहीदों के जीवन से प्रेरणा मिल सके। इसके साथ ही गोरखपुर स्टेशन से गोरखपुर छावनी स्टेशन को रेल लाइन के साथ सड़क मार्गों से जोड़ने, गोरखपुर से मुंबई तक गरीब रथ ट्रेन चलाने, गोरखपुर से पनिहवा तक रेल खंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने की मांग की। सांसद रवि किशन ने पूरे देश में तीव्र गति से हो रहे रेल के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रदेश के तीव्र गति से हो रहे विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सराहना की। रवि किशन जी, धन्यवाद। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं रेल मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारी उपलब्धियाँ जो हो रही हैं, एक्सीडेंट्स की मात्रा जो कम हुई है हर तरीके से, और उन्होंने हमारी एक निवेदन पर गोरखपुर से हम सफ़र ट्रेन भी शुरू किया, तो मैं समस्त गोरखपुर और जौनपुर से लोगों सभी लोगों की तरफ से मैं उनको आभार, अपनी सरकार को दिल से धन्यवाद। दो मांगे हैं मेरी, दो तीन मांगे हैं, मैं तुरंत रखना चाहता हूँ। गोरखपुर से दिल्ली तक वंदे मातरम ट्रेन की आवश्यकता है। गोरखपुर से एक पूरी नई रेलगाड़ी चल जाए तो हर हर महादेव हो जाए। गोरखपुर से देहरादून चलाने वाली साप्ताहिक ट्रेन तो बड़ी डिमांड है, क्योंकि गोरखपुर एक इस वक्त पूरा बहुत ही तरक्की की तरफ है। गोरखपुर से मुंबई एक गरीब रथ ट्रेन चल जाए तो बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।